तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा पर। दोस्तों पिछले वीडियो में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हमने स्टार्ट किए थे लोक देवता और लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अगले लोक देवता जो कि राजस्थान के पांच पीरों में गिने जाते हैं वो उनकी बात करेंगे, बाबू जी राठौड़ के उपनाम की बात करें। उपनाम तो इनको कहा जाता है ऊंट रक्षक देवता या ऊंटों के देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय गिने जाता है बाबूजी राठौड़ को। इनको कहते हैं प्लेग रक्षक देवता। इन्हें कहते हैं हाड़ फाड़ के देवता। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना गया है, लक्ष्मण का अवतार। वचन निभाने के कारण इन्होंने प्राण त्यागे तो इनको कहा जाता है वचन पालक देवता। और जो देवल चारणी थी वो इनकी शरण में गई थी अपनी गायों को छुड़ाने के लिए, इसीलिए इन्हें कहा गया शरणागत वत्सल देवता। ये इनके प्रमुख उपनाम है। इनके जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था इनका चैत्र अमावस्या को कोलुमंड गांव, कोलुमंड गांव जो कि वर्तमान फलोदी जोधपुर में। यहां पर बाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे, पत्नी का नाम कुछ किताबों में फूलम दे है और कुछ में सुप्यार दे। ये थी अमरकोट की, कहां की थी अमरकोट, और अमरकोट पे शासन किनका था सोडांग। इनके एक बहन थी सोहनबाई, बहन का नाम था सोहनबाई, जिसकी शादी हुई थी जींदराव खींची से। कहां का था ये जायल नागौर का जागीरदार था जींदराव खींची, उसके साथ बाबा ये बाबूजी राठौड़ की बहन की शादी हुई। तो बाबूजी राठौड़ का ये हो गया बहनोई। ये इनके उपनाम और परिवार। अब बात करते हैं इनके जीवन पे। तो चलो बाबूजी राठौड़ के जीवन के बारे में बात करें तो बाबूजी राठौड़ के पास एक घोड़ी थी केसर कालमी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी नामक घोड़ी। इन्हें गिफ्ट दी थी किसने, देवल चारणी चारण जाति की महिला थी, इसके पास ये केसर कालमी घोड़ी थी। अब जायल का जो जागीरदार था जींदराव खींची वो भी यहां आता था, उसका ससुराल था यहां, तो ये जो केसर कालमी घोड़ी है ये पसंद आ गई जींदराव खींची को। लेकिन जब जींदराव खींची देवल चारणी से घोड़ी लेने गया तब घोड़ी थोड़ी छोटी थी तो देवल चारणी ने उसे मना कर दिया। उसके बाद इसी घोड़ी पर नजर गई बाबूजी राठौड़ की। अब बाबूजी राठौड़ की नजर गई तो बाबूजी राठौड़ ने जब इनसे मांगा
तो यह देवल चारणी ने घोड़ी बाबूजी राठौड़ को दे तो दी, लेकिन एक कंडीशन सामने रखी कि यदि जिंदराव खींची के द्वारा मुझे किसी प्रकार का खतरा होता है या मेरी गायों को किसी प्रकार का खतरा होता है तो आप मेरी रक्षा करोगे। और एक रक्षा के वचन के साथ केसर कालमी घोड़ी किस देवल चारणी ने किसे दे दी? बाबूजी राठौड़। अब इसी बात से जो जिंदराव खींची था वो नाराज हो गया और वो देवल चारणी और बाबूजी राठौड़ से दुश्मनी रखने लग गया। अब समय बीता तो बाबूजी राठौड़ की शादी हुई। अब बाबूजी राठौड़ बारात लेके कहां चले गए? अमरकोट। कहां चले गए? अमरकोट। अमरकोट है पाकिस्तान में। अमरकोट ये जोधपुर। जोधपुर से ये कहां पर थे? अमरकोट। इसी मौके का फायदा उठाकर, क्योंकि लगभग पूरा परिवार बारात में आ चुका था, इसी मौके का फायदा उठाकर जिंदराव खींची ने कहां पर आक्रमण कर दिया? कोलुमंड गांव पर। और जिंदराव खींची देवल चारणी की सारी गायें लेके चला गया और देवल चारणी को कह गया कि गायें चाहिए तो वो केसर कालमी घोड़ी मेरे यहाँ खड़ी कर देना। अब देवल चारणी ने याद किया केसर कालमी को और केसर कालमी घोड़ी, कहते हैं कि वो घोड़ी यहाँ पर हिनहिनाने लग गई या किसी भी प्रकार से इन्होंने यहाँ तक संदेश पहुंचा दिया किसको? बाबूजी राठौड़ को, कि आपने मुझे वचन दिया था और आज जिंदराव खींची मेरी गायों को ले गया। तब बताते हैं कि बाबूजी राठौड़ 3.5 फेरा ले चुके थे, 3.5 फेरे ले चुके थे और 3.5 फेरे लेने के बाद जो ही इन्हें संदेश प्राप्त हुआ कि देवल चारणी पर संकट आया है, जिंदराव खींची ने आक्रमण किया है, तो अपने वचन पालन के चलते 3.5 फेरे लेकर बीच में ही उठ गए यहां से और सीधे आ गए कहां? जोधपुर। और यहां आने के बाद जब कोलुमंड गांव में आए तो इनकी माता ने इनसे एक बात कही कि बेटे तू युद्ध लड़ने तो जा रहा है लेकिन याद रखना वो तेरा बहनोई है, तेरी बहन का सुहाग है। जब ये बात माता ने कही तो बाबूजी राठौड़ और जिंदराव खींची के बीच में जब युद्ध हुआ तो कहते हैं कि जिंदराव खींची ने सरेंडर कर दिया था, या मतलब उनके सामने एक तरह से वो हार मान चुका था, आत्मसमर्पण कर दिया था उसने। जब बाबूजी राठौड़ उन्हें मारने लगे तो अपनी माँ का वचन याद आ गया और इसीलिए वो बाबूजी राठौड़ वापस पीछे घूमे, घूमते जिंदराव खींची ने उनके ऊपर तलवार चला दी और बाबूजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गए। ये है इनकी पूरी कहानी। बाबूजी राठौड़ का मंदिर है वो कोलुमंड गांव में ही है। मंदिर कहां है? कोलुमंड जोधपुर। और चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हुआ था तो मेला भी किसी दिन लगेगा, चैत्र अमावस्या, इस दिन बाबूजी राठौड़ का मेला लगता है। बाबूजी राठौड़ ने देवल चारणी की गायों को बचाते हुए वीरगति प्राप्त की। तो सबसे ज्यादा इनके ऊपर जो साहित्य लिखा, चाहे वो गद्य पद्य कोई भी हो, वो लिखा चारण जाति ने। सबसे ज्यादा साहित्य किस जाति ने लिखा? चारण जाति ने। तो बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय, यानी सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है बाबूजी की लोक प्रिय फड़। और इसको गाया गाने का काम करती है नायक, या इसी को कहते हैं आयड़, नायक या आयड़ जाति। और वाद्य यंत्र जो काम में लिया जाता है वो है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाती है। बाबूजी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया गया है, तो ऊंट पालक जाति रेबारी व रायका। जब भी ऊंट बीमार होता है तो ये इनके पावड़े गाते हैं। ये इनके क्या गाते हैं? पावड़े या गाथा गीत गाते हैं मठ वाद्य यंत्र के साथ, मठ वाद्य यंत्र के साथ। इसी के साथ बाबूजी ने इनको शरणागत वत्सल कहा गया है। राजस्थान में एक जाति है थ्योरी, थ्योरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ, सारंगी
वाद्य यंत्र के साथ इनकी यश गाथा गाते हैं। यश गाथा गाते हैं। यानी फड़ राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। रायका या आयर जाति के लोग रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, रेबारी रायका पावड़े गाते हैं मट वाद्य यंत्र के साथ। कब गाते हैं? ऊंट बीमार होने पर। क्यों गाते हैं? ऊंटों को सर्वप्रथम ऊंटों को लाने का श्रेय बाबूजी राठौड़ को जाता है। थ्योरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र के साथ यश गाथा गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि थ्योरी जाति के 7 लोगों को बाबूजी ने गुजरात के शासक आना बघेल से रक्षा की थी। इनका जो मूल मंदिर है वो कहां पर है? कोलूमंड जोधपुर में। मंदिर की बात करें, एक तो है कोलूमंड जोधपुर, कोलूमंड जोधपुर, और दूसरा है आयर उदयपुर। मेला इनके जन्म के दिन चैत्र महोत्सव के दिन ही लगेगा। अब बाबूजी राठौड़ की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु का जो बदला लिया वो बाबूजी राठौड़ के बड़े भाई थे बूडो जी। बड़े भाई कौन थे? बूडो जी। बूडो जी के पुत्र हुए रूपनाथ जी। रूपनाथ जी, इन्हीं को कहा गया है झरड़ो जी। इन्होंने बाबूजी राठौड़ की मृत्यु वीर गति का बदला जींदराव खेची को मारकर लिया। और ये हो गए अपने बाबूजी राठौड़। धन्यवाद।